बेहतर बिहार नहीं बना सकते हैं, सिर्फ सत्ता प्राप्त कर सकते हैं और एमएलए एमपी का चुनाव। तेजस्वी जी बहुत अच्छी बात है, 15 में इसी औरंगाबाद में बोले कि बाबू साहब की धोती, हम बिहार के लोग भूलते नहीं हैं। तो बोचहां में लोगों ने जो किया है, वहां का स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि अहंकार दिखा भाजपा का, ये सब जात पात और भूमाई और माई और अपर कास्ट अगरा पिछड़ा ये सब नहीं कर रहा है, ये इन लोगों की मनग्रंथ है। इसी तरह के प्रोपगंडा आवाज़ और लोकोक्ति और उदाहरण ये लोग देते रहते हैं। गाछे कटहर उठे तेल, रखने में क्या दिक्कत है, सीजन भी है कटहल के फलने फुलाने का, राजनीतिक सीजन भी आ रहा है, 1.5 साल के बाद लोकसभा है। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बोचहां परिणाम के बाद राजद के नेता अब दावा कर रहे हैं कि अब राजपूत के बाद भूमिहार का जो वोट है वो राजद के साथ आ गई है। इन तमाम सवाल है बिहार की राजनीति को लेकर है, नीतीश कुमार घर बदल रहे हैं इसको लेकर है, जाप नेता हैं प्रेमचंद सिंह किस तौर पे देखते हैं, चूँकि अब राजद दावा करे कि राजपूत तो पहले था ही राजद के साथ, अब भूमिहार भी आ गया है। खुश रहना चाहिए राजद को। और राजद एक सीट जीत जाने से राजद को लगता है कि जात पात जातीय समीकरण से ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ये दोष राजद की नई पीढ़ी का नहीं है। इनके परंपरागत इनकी जो पारिवारिक ढांचा रहा है और इनके आदरणीय नेताओं का जो तौर तरीका रहा है, इसलिए लग रहा होगा। तब तो सोचना चाहिए मुसलमान को भी कि राजद जब सबसे ज़्यादा जिन लोग उनके पास सटे हैं राजद में, उसके पहले कहाँ थे। बिहार के अशांत करने वाला दल यदि भाजपा को हम सब मानते हैं, नफरत फैलाने वाला दल यदि भाजपा को हम सब मानते हैं, तो कौन सब लोग थे जो खुद राजद के नेता लालू यादव को परेशान करने वाले लोग, खुद बिहार में अमन को ख़त्म करने वाले लोग, A to Z की बात कर रहे हैं, जात की बात कर रहे हैं, कि वो इसी दल से निकला हुआ था भूरा बाल साफ करो, कहीं और दल से नहीं निकला हुआ था। भूरा बाल का मतलब भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला। तो ऊंट यदि करवट पहाड़ के नीचे आई है और यदि A to Z की बात हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन अतीत को भी राजद को झांक लेना चाहिए। और सच्चाई है कि बिहार जात पात ऊंच नीच करके सिर्फ सत्ता में आप जा सकते हैं। बिहार को विकास, बिहार को तरक्की, बिहार में रोजगार, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार के मेल के नौजवानों का पलायन आप रोक नहीं सकते हैं। बेहतर बिहार नहीं बना सकते हैं, सिर्फ सत्ता प्राप्त कर सकते हैं और एमएलए एमपी का चुनाव जीत सकते हैं। तेजस्वी अब हर मन से कहते हैं कि पहले वाली बात अलग थी, अब नई सोच के साथ आए हैं, नया राजद है ये। तेजस्वी के भूल रहे हैं तमाम बातों को। तेजस्वी जी बहुत अच्छी बात है, 15 में इसी औरंगाबाद में बोले कि बाबू साहब की धोती, हम बिहार के लोग भूलते नहीं हैं, आप केवल भाजपा की गलती थी बोचहां और मुजफ्फरपुर में। जब आप किसी वरिष्ठ नेता को प्रताड़ित कीजिएगा, अपमानित कीजिएगा, तो पब्लिक देखती है और वो समझती है। तब बोचहां में लोगों ने जो किया है, वहां का स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि अहंकार दिखा भाजपा का। ये नसीहत है भाजपा के लिए भी, बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी। और कोई जीत एक जीत गई है, इससे बहुत खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। एक जीत से बहुत कुछ हासिल नहीं होता है। बिहार और बोचहां की पब्लिक ने एक मैसेज दिया है कि आप बहुत ज़्यादा दिन तक
बैठ करके बाबा नहीं बन सकते हैं। आप लोगों को बधुआ मजदूर और जात पात करके नहीं जीत हार सील कर सकते हैं, ना हार ना जीत। ये मैसेज है, न कि भाजपा को हटा करके राजद को सत्ता दे देना है या राजद को बैठा करके भाजपा को बाहर कर देना है, ऐसा मैसेज नहीं है। इसलिए ये बिहार का जो नया जो वर्ग आ रहा है, जो जुआ वर्ग आ रहा है, इन तमाम नेताओं से मुक्ति चाहता है और तमाम मुद्दों से अलग बिहार में मांगता है। बिहार का जुआ रोजगार, उद्योग, धंधा, अमन, शांति, बेहतर शिक्षा, ये सब मांग रहा है, ये खोज रहा है। ये सब जात पात और भूमाई और माई और अपर कास्ट, अगरा, पिछड़ा, ये सब नहीं कह रहा है। ये इन लोगों की मनग्रंथ है। इसी तरह के प्रोपगंडा आवाज़ और लोकोक्ति और उदाहरण ये लोग देते रहते हैं। बिहार को इस सबसे से अब मुक्त होना चाहिए। नीतीश कुमार का अब ठिकाना बदल रहा है, एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर शिफ्ट होंगे, क्या एक बहाना है? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रेशर बना रही है कि अपना उम्मीदवार देगी। तूफान आने से पहले कि ये कांति और ये शांति है, नीतीश कुमार जी और उनके गठबंधन में और उनकी कुर्सी पर बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है, उसी का संकेत है। 17 वर्षों से 18 वर्षों से 30 वर्षों से अन्य मार्ग का सालाना रिपेयरिंग होता है और हमेशा मेंटेनेंस, ऑडिट देख लीजिए ना, एमएलए, मंत्री, विधायक के फ्लैटों का जो नवीकरण होता है, उनका मेंटेनेंस होता है, रिनोवेशन होता है, ये चलते रहता है। पीडब्ल्यूडी से लेकर के आप भवन निर्माण से लेकर के सबके विभागों को देखिएगा तो अन्य मार्ग का सालाना, हम तो मांग करते हैं कि पिछले साल अन्य मार्ग में कितना मेंटेनेंस हुआ पीडब्ल्यूडी और भवन निर्माण से जांच करा लीजिए। अभी क्या होने वाला है, वो क्या नया शताब्दी भवन और ये विधानसभा की तरह उसको भी अन्य मार्ग को बनाना है क्या? ये सारी बातें मनग्रंथ है। नीतीश कुमार जी कोई ना कोई नया मुद्दा बनाने वाले होंगे कि हम तो यहाँ आए थे, लगता है कि भाजपा के तरफ से अल्टीमेटम मिल गया, अंतिम सवाल खाली कर दीजिए और जाइए, उससे पहले वही आप तूफान की बात कर रहे हैं। एक तरफ आरजेडी में चर्चा है कि 22 मई को तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार बंगला चेंज कर रहे हैं, आप भी करें कि तूफान है तो शुभकामना है, यदि बन रहे होंगे तो शुभकामना है, बने। अब गाछे कटहर उठे तेल, रखने में क्या दिक्कत है? सीजन भी है कटहल के फलने फुलाने का, राजनीतिक सीजन भी आ रहा है। 1.5 साल के बाद लोकसभा है, उस दिन के बाद विधानसभा होगा, की ओर बढ़ रहा है क्या बिहार? 3 सीट सहनी को तोड़ करके 74 से 77 हो गई है भाजपा, वो भी चाह रही है कि बिहार में सत्ता हो जाए। ये भी 75 से 76 हो गए हैं 1 सीट जीत करके, तो लगता होगा 75 और 77 जुनू मिल करके यदि सरकार बना ले तो हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो चलिए, बिहार में एक कहा जाए तो भूचाल सा, जैसा कि हमने जानने की कोशिश की कि आने वाला है, यही वजह है, मुख्य वजह जहाँ आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले ही अपना ठिकाना बदल ले रहे हैं ताकि आगे चलकर एक्सक्यूज जो है वो इस तरह का ना देना पड़े। इस कॉल में इतना ही, देख लें बिहार, नमस्कार।